में आपका स्वागत है और आज हम लोग मैथ्स का और मैथ्स में भी वेन डायग्राम एंड सेट थ्योरी का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, दो यूपीएससी में आया हुआ और दो यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। चार क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल है। जैसा कि बतला दिया गया था, जो सेट थ्योरी या वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम या तो सेट थ्योरी वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या सीधा वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 130 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली, यानी फाइनली कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। एक परीक्षा में शामिल 130 विद्यार्थियों में से 62 जो है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, और 52 जो है वो गणित में फेल होता है, और 24 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ। अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वालों विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, अब इसको हम वेन डायग्राम और सेट थ्योरी दोनों की सहायता से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेन डायग्राम ही। अब जैसे ये बतलाया था, ये तो आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया। यहाँ पे एक ये है और एक ये दिया हुआ है। यहाँ पे निगेटिव में दिया गया है, एक इंग्लिश है, ये इंग्लिश, और ये है आपका मैथमेटिक्स। इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 62 जो है वो इंग्लिश में फेल हो रहा है, 52 जो है वो मैथ्स में फेल हो रहा है, वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ, यानी जो दोनों में है। ये जो है इसमें कितना है, 24 है, जो इंग्लिश में भी है और मैथ्स में भी है, यानी इतने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल हो रहा है, इंग्लिश में भी फेल हो रहा। तो कम से कम कितने बच्चे ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में या मैथ्स में फेल हो रहा है। तो इसके लिए आप सीधा देख सकते हैं, यहाँ पे कम से कम कितने होंगे, तो 62 प्लस वेन डायग्राम से 52 माइनस 24 ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 62 हो गया ये यहाँ से ये हो गया 62 और ये हो गया 52। अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये दो बार आ रहा है, क्योंकि एक बार ई में एक बार एम में, इसलिए ये 24 जो कॉमन है ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 6, 5, 11 और माइनस 24 ये हो गया 90 ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में जरूर फेल होता है, यानी ये हो गया, ये यहाँ से लेके ये दिस 90। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा, अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वालों की संख्या क्या है, तो अंतिम रूप से उत्तीर्ण यानी पास होने वाले की संख्या क्या है, तो नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स या पासिंग स्टूडेंट्स, पासिंग, तो ये टोटल कितना है, 130 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, 40 ए ये हो गया। अगर इसी को हम सेट थ्योरी की मदद से सॉल्व करते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे हम यही करेंगे, एन ई यानी कुछ नहीं बनाना, ई यूनियन एम इक्वल्स टू एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और फिर लास्ट में हम ये निकाल के और पास होने वालों की संख्या निकाल लेना, यानी टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पार्टिकुलर क्लास, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 100% स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल,
ये दिया हुआ, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 60% क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं तथा 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल। अब यहाँ पे ये 10 विद्यार्थी है, यहाँ 100% दिया हुआ है, ये यहाँ पे 10 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये जानना है जी, चूंकि 100 स्टूडेंट्स है और ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे 100 का कितना भी परसेंट निकालें तो जितना परसेंट होता है उतना ही संख्या बन जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही 100 से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे सीधा हम सेट थ्योरी से बना देंगे तो कम से कम एक में एक चीज खेलने वाला क्या होगा, तो एक क्रिकेट है और एक फुटबॉल है, तो क्रिकेट के लिए सी और फुटबॉल के लिए एफ, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, जो कि पहले ही बतलाया जा चुका है और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो यहां से भी समझ सकते हैं। एन सी इक्वल्स टू कितना हो गया 60 प्लस 30 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 10% है, यानी 10 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10% यहाँ पे ले सकते हैं, 100 का 10% 10, 100 का 60% 60 और 100 का 30% 30 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 37 90 में से 10 गया, कितना हो गया 80 हो गया। 80 ऐसे हैं जो या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, तो ये 100 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 80, तो ये 20 हो जाएगा। 80 तो ऐसे हैं जो दोनों में से कोई एक खेल रहा, तो कुछ नहीं खेलने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, सिंपल है, डायग्राम से भी हम करेंगे तो वही हो जाएगा, ये बीच में हो गया 10, ये हो गया 60, ये हो गया 30 और ये ऐसे, ये वेन डायग्राम टोटल हो गया हमारा, टोटल ये हो गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, टोटल 100 है, 100 में से ये 80 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑल ऑफ स्पीक हिंदी और इंग्लिश और बोथ, द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली क्या होगा, 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, 25 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं तथा सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं, तथा सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं, बताइए उन लोगों की संख्या क्या है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 25 हिंदी 25 ये तथा सभी लोग, तथा सभी लोग हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं, बताइए उन लोगों की संख्या क्या है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या यहाँ पे क्या है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, 50 लोगों के एक समूह में 35 लोग हिंदी बोलते हैं, NH इक्वल्स टू 35 लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका NH इंटरसेक्शन E दोनों बोलने वाले, तो ये 35 तथा सभी लोग ये बोलते हैं, तो NH यूनियन E ये कितना है 50 है, तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो NE ये निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा NH यूनियन E इक्वल्स टू NE प्लस NH माइनस NH इंटरसेक्शन दिस, अब ये कितना है 50 और ये कितना है आपका 35 प्लस 25 35 और NE NH
एन ई तो निकालना है, एन ई एक्स, एन एच कितना है 35 और माइनस 25, तो ये एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 50 और 25 में से 35 10, तो ये हो गया 40। ये 40 हो गया इंग्लिश बोलने वाले, और यहाँ पे दोनों बोलने वाले कितने हैं, दोनों बोलने वालों की संख्या कितनी है 25, तो 40 में से 25 घटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, इंग्लिश बोलने वालों की संख्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 50% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड 10-1% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन हिंदी, हिंदी में, तो हिंदी में फेल होने वाले क्या है, हिंदी में फेल होने वाले हैं 40%, तो हिंदी में पास होने वाले, ये फेल होने वाले हैं तो पास होने वाले, यानी पास, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60%। ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, केवल ये किया है कंफ्यूजन के लिए बना दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और सेट थ्योरी और वेन डायग्राम हम लोग जान चुके हैं। अब अगली बार नए टॉपिक के साथ आएंगे जो कि UPSC और UPPCS के लिए बहुत ही यूजफुल हो। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय, जय हिंद।